राम राम जी, स्वागत है आपका जिनवर फैमिली ब्लॉग में। और आज मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, अपनी डिश। वो भी है चावलों की डिश। चावल बना रही हूँ मैं आलू सोयाबीन डाल के। आलू भी धो रखे हैं, सोयाबीन भी धो रखे हैं, चावल भी धो रखे हैं, सब धोधा के रख रखे हैं। और अब मैं बना रही हूँ थोड़े स्पेशल चावल, शायद आप भी बनाते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जीरा है, ये है कड़ी पत्ता, और ये कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, और मैंने ये लहसुन ना काट के चीरा लगा रखा है इसमें बीच में, क्योंकि हम ये डालेंगे ना तो पूरे खिल जाएंगे सारे, तो ये पता नहीं चलता चावलों में ज़्यादा। अब डालेंगे हम लहसुन, लहसुन के बाद जीरा, जीरे के बाद कस्तूरी मेथी, कसूरी मेथी के बाद अजवाइन के बाद कड़ी पत्ते के बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज और हरी मिर्च, जितनी भी आपको मिर्ची डालनी है अपने अंदाज से डाल सकते हो। हमारे घर में तो बहुत सी प्रकार खाते हैं, अपने अंदाज से डाल सकते हो आप मिर्च। मैंने तो हरी भी 6-7 मिर्च डाली है, और लाल भी डालूंगी, और मैगी मसाला भी डालूंगी। अभी बहुत अच्छे लगते हैं मैगी मसाले डाल के चाव। अब पूजा के हाथ के चावल खा के देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं आपको कभी नहीं देखूंगी चावल बनाती हुई, पूजा ही बनाती है चावल, क्योंकि इसके हाथ के चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप खा के बताना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, जो पूजा अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाए आपको। और अच्छा, आप हमें कमेंट में बताना कि हम अपना खाना खाने की वीडियो डालें कि नहीं डालें, आप देखना चाहोगे कि नहीं। हाँ जी, ज़रूर बताना, आपके लिए हम टाइम भी निकाल लेंगे थोड़ा सा। अगर आपको पसंद होगा तो हम डालेंगे खाने की वीडियो, नहीं तो नहीं डालेंगे। हाँ जी, और ऐसा कुछ खास बनता नहीं है हमारे घर में, लेकिन हमारे लिए भी बहुत खास घर का ही खाना है, जो आप लोग खाते हैं वही खाते हैं हम भी बस। और हमारे लिए ये भी बहुत खास है। अब टमाटर डालूंगी, प्याज हो गई है, चावल ज्यादा रहते हैं ना, मसाला भूनने के लिए पानी डाल दिया, मैं थोड़ा भी छोड़ के रखती हूँ। पास हो गए लड़के, बच्चों ना, बच्चे फोन देख देख के सब सीख रहे हैं। बच्चे आजकल बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आजकल कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं और लैपटॉप। चलो बेबी, मैं पंखा चला दूं जैसा आपके लिए। हाँ। चलो जय, इंस्टाग्राम मत छेड़ना है ना। चलो ये तो इसलिए जलाए। हाँ चलो, पंखा चला के आती हूँ मैं आपके लिए ना। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, देख लो आप फोन। खाने के टाइम पे जैस को ले लिया हमने, बीच में जैस कुछ बता रहा था, पता नहीं क्या बता रहा था। पंखा चला के आई हूँ मैं उसके लिए, वो फोन लेने आया था। मैंने मसाला भून चुका है, देखिए हमारा पूरा तेल छोड़ दिया मसाले ने, डालेंगे। कितनी देर हो रहा है? बस चावल डालूंगी, थोड़े से देर फ्राई हो जाएंगे, गर्मी में हालत। किसी दिन ऐसी सब्जी बनाऊंगी। हमारा कुकर भी बहुत बड़ा है, आठ लीटर का है। फैमिली के हिसाब से लाना पड़ता है ना, मैं तो फ्राई हो जाए।
फ्राई हो चुके हैं, अब चावल डालते हैं। चावल मैंने लिए हैं 4 गिलास, 4 गिलास बड़े बड़े वाले, बड़े वाले गिलास जो होते हैं ना वो लिए हैं 4। थोड़े चावल से बना रही हूँ, बड़े टाइम बाद बन रहे हैं चावल थोड़े। खाना थोड़ा सा ज्यादा बनाना चाहिए क्योंकि कम मैंने चावल डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डालेगी क्या करिए जी? पूजा ने इसमें चावल डाल दिए, पानी डाल दिया, सॉरी। अब इसमें कितनी सीटी लगेंगी पूजा? इसमें लगेंगी 2 सीटी, 1 सीटी और 1 सीटी आने के बाद तुरंत छोड़ दें। 2 ही लगेंगे, पानी थोड़ा अंदाज से डालें। पहले मैं बनाती थी ना चावल, जब मुझे आते नहीं थे सब कहते थे 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी डालो, बनते थे सही, लेकिन अब अपना अंदाज हो गया बनाते बनाते। इधर देखे ये अपना काम कर रहे हैं, इनके चेहरे पे मत जाइएगा, इनका चेहरा भगवान ने ऐसी फुर्सत से बनाया है। थोड़ी सी मिट्टी लगाना भूल गए थे, हंसने की मिट्टी जो हंसते हैं। पानी डालने के बाद मैगी मसाला डालते हैं। अब पूजा डाल रही है मैगी मसाले जिससे चावल टेस्टी बनते हैं। राज की बात थी आपके साथ, आपके साथ। हाँ जी, बहुत से बंदे डालते हैं, जिनको मैगी मसाला अच्छा लगता है वो डालते हैं, जिनको नहीं पसंद वो नहीं डालते। लेकिन हमारी वीडियो पूरी देखना, शुरू से लेके एंड तक मिस मत करना। देखो पूजा ने कुकर बंद कर दिया, चावल, और हमारे घर रिश्तेदार भी आ गए। ये मेरी बेटी आई है, ये मेरी बहन दीदी की लड़की, आप देख जानते ही हो, ये भी मेरी बहन की लड़की है। ये शर्मा रही है, कह रही मुंह से वीडियो मत बनाओ, तुम बहुत तुम दोनों नसीब वाली हो। कैसे नसीब वाले? तेरी मौसी इतने फेवरेट वाले चावल बना रही है। क्या बना रहे हो? चावल सोयाबीन आलू डाल के। मैं बताया ना खुशी, खुशी कौन कौन आया है? ये मेरी बड़ी बेटी, मेरी बड़ी बेटी की लड़की है ये भी, ठीक है बाबू। ये हमारी बेटियां आई हैं आज, पता नहीं कैसे मौसी की याद आ गई। नहीं देखो आया, देखो आया, जय दीदी आई है। हेलो दीदी से, हेलो किसी का दो है, किसी करो, तुम दोनों ही आई हो, रिया पापा और रिया आ रहे हैं, और वो छोटी सा आई बैटरी रिक्शा से। मंदू नहीं आया? नहीं, मंदू कहां चली गई? वो दीवाना हो रहा राग, नहीं वो नहीं आया। चल कोई नहीं, आज ले आती, जब आ रही थी देख के जाती नहीं, दोनों तो रुकेंगी। चल ठीक है, चल रुकना ही है, चल चल रुक जाएगी खुशी। इतने दिन यहाँ पे रुक ले, 2 दिन मौसी के घर रुक जाए। शुक्र है भैया, शुक्र है मौसी की याद तो आई, ठीक है। तो अब क्या, कैसे रुक गई? इसका तो मन ना लगा रही है, ये शिकायत लगा रही है हमारी अंशु। तू रुक जाएगी बहन, रुक जा, कल आ जाऊंगी, कल शनिवार। ये जॉब करने लग गई है ना हमारी बेटी, ये जॉब पे जाते हैं तो कह रहे हैं हाँ। मुझे नया नया काम लगा है। अंशु किसका करती है? मैं बैंक में, बैंक पे लगी हुई है। देखो इतने बड़े हो गए हम, मतलब मम्मी बन गए, अब नानी बन, नानी भी बनने वाले। बेटी है हमारी दीदी की, प्रेग्नेंट है, उसके होने वाला है कुछ बेबी। कितने महीने बाद? 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने। हम लगते हैं आपको नानी, नानी 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 बन जाएंगे। मैं उसके पेट पे ऐसे कान लगा के सुननी, मैंने कहा बोलेगा, अभी बोलेगा मौसी नमस्ते। मैंने अभी देखी उसकी वीडियो, आपकी पोस्ट मैं लेने वाली हूँ। मैंने आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है मुझे? आज है वीरवार, वीरवार 9 तारीख। ये तो अभी 2 दिन है ना, मैं शनिवार को रात को आ जाऊंगी पक्का। शनिवार परसों आप कहोगे बेबी हो गया,
आपको जुकाम हो रहा है, ठंडा पानी नहीं पीना, ओके? ओके। देखो पूरा बेड खाली है, पूरा कमरा खाली है, पूरा खाली है, लेकिन वो लड़का कुर्सी के लिए जैसा है। चलो आज अंदर चाय फिर पकने की, जीजा भी आने वाले हैं। अपना मुंह नहीं दिखाती ये, कुछ ज्यादा मौसी से सुंदर है। नहीं शौक नहीं है ना इसे, अभी एक दो दिन में आ जाएगा, देखियो एक दो दिन में मुझसे के साथ ही दिखेगी। तू देखियो हमारी वीडियो में अब आएगी। मम्मी को तो बोलते, मम्मी पापा बोलते रहते बनाती नहीं कैसे। किसी किसी को शौक नहीं होता ना, हमें तो भैया बहुत शौक है, हमें बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम। हमें थोड़ा सा मौका मिलता है ना खाना बनाते टाइम भी, हाथ खाली मिलता है ना, हाथ खाली होते हैं ना हमारे, लगता है हाथों में कुछ होना चाहिए। रील्स बनाओ या ब्लॉग बनाओ, चावल बनाए, मैंने सोचा सारे चावल की रेसिपी डाल। देखिए दूसरी बेटी आ गई है हमारी, और ये जीजा आए हैं। अंशु रुकेगी जीजा अब, रात को रुकेगी, अब सुबह ले जाएंगे जीजा तुझे 8-9 बजे। मैं खुद ही चली जाऊंगी, अकेले भेजेंगे। वाह, सुबह मैं छोड़ने जाता हूँ ना। हाँ हाँ जीजा, पक्का 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 डन। मम्मी को छोड़ने जाएंगे ना, तुझे लेते जाएंगे। अरे नहीं करिए छुट्टी, कमाने वाली बन गई। मौसी को भेजा, भेजेगा 2000। मौसी के लिए भिजवा दिए अगर पैसे, कमाने लग गई लोंडे हमारी। नहीं यार, तू हमारे साथ ऐसे ही रही हो, तेरी मौसी पे कमी नहीं है, तुम लोगों का प्यार मिले वही बहुत है ना जीजा। सबसे बड़े तो हमारे ये बैठे माँ पुरुष बापू जी, ये हमारे सबसे बड़े जीजा है, सबसे बड़े, और यही घर पास ही रहते हैं, आधा एक घंटे का रास्ता है। तो हाँ, ये दूसरी बहन के, दूसरी बहन के बच्चे जो वो आए हुए इनके घर। हाँ हाँ जी, हाँ दूध बनाना, मम्मी ने कहा है दूध को कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। नहीं तुम लेके जाओ, मैं नहीं जा रही, मम्मी जा रही, मैं नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा रही, भाई चावल तुम में से पानी निकल रहा है। मैं तो मम्मी को बोल रही थी पानी निकल रहा है। शुरू हो गया है भाई, अभी शुरू करानी है इन्होंने, अभी लेके बैठे हैं खाना, इधर भी चल रहा है खाना। ये चम्मच चाहिए किसी को? नहीं हाथ से खाने वाला था, तेरे लिए नहीं है। जो खा दे, मैं भी खाना खा लेती हूँ। ये बेचारे एडिटिंग कर रहे हैं फोन में। दो चम्मच खा लो, फ्रेंड खाने खा लो, सब भी हमारे साथ। मुझे चावल अच्छा लग रहा है, टीवी के बिना मुंह नहीं चलता। दूसरी तोड़ो, चम्मच तोड़, ये टूटी हुई है राघव, बहन दो चम्मच टूट गई, फेंक दो उसे मत खान, रखना एक तरफ। नहीं अंशु दीदी हाथ से खा लेगी, हाथ से वैसे बजाते हैं अंशु, मैं हम खुद। चलो जी गाइस आ जाइए खाना खाने सब, हम भी चालू करते हैं, हम भी चालू कर लेते हैं खाना। फ्रेंड अगर आपको हमारे चावल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर आपको, अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, लाइक करो और आगे बढ़ाइए। राम राम जी।